सीएम त्रिवेंद्र सिंह केंद्रीय संगठन के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। दो दिन पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम से मुलाकात की थी। अगले दो दिन में टीम में शामिल करेंगे नए चेहरे। माना जा रहा है कि अब मंगलवार को मुख्यमंत्री आलाकमान से इस संबंध में चर्चा करेंगे, तो सोमवार को सभी की नजरें दिल्ली पर टिकी रही। समझा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री अपनी टीम में खाली तीन स्थानों पर नए चेहरों को शामिल कर सकते हैं। हालांकि वो तीन नए चेहरे कौन होंगे यह भी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि नए चेहरों को जल्द ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा। इससे पहले पीएम मोदी से मुलाकात सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की हुई थी, जिसके बाद अब सभी की निगाहें यहां पर टिकी हुई है कि मंत्रिमंडल में आखिर कौन से नए चेहरे हो सकते हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय संगठन के नेताओं के साथ आज विचार विमर्श इन तमाम चेहरों को लेकर किए जाएंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा इस दौरान होगी। तो दो दिन पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और किस तरह से प्रदेश का विकास किया जाना है, किस तरह से केंद्र सरकार से मदद चाहिए और मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर किस तरह से होना है, नए चेहरों को शामिल किया जाना है, उन तमाम पहलुओं का अपना जो है वो रखते हुए नजर आए। और आज इसी का विचार विमर्श केंद्रीय संगठन नेताओं के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा यहाँ पर। तो अगले दो दिनों में टीम में शामिल करेंगे नए चेहरे, तीन नए चेहरे इस टीम में शामिल होंगे। पंकज पवार ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत केंद्रीय संगठन नेताओं के साथ आज विचार विमर्श करेंगे और टीम में नए चेहरे शामिल करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर माना जा रहा था कि कल सोमवार को ही ये बैठक हो जानी थी, लेकिन क्योंकि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताजपोशी और उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री परिषद की बैठकें लेना और उस पर तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनकी बैठक होना, उसकी वजह से ये बैठक हो नहीं पाई। और अब माना जा रहा है आज बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने पार्टी आलाकमान से मिलेंगे और जो तमाम जो तीन सीटें हैं प्रदेश की जो मंत्रिमंडल की बची हुई है उनको लेकर वो चर्चा करेंगे कि आखिरकार किन किन को देना है, इतने कौन कौन दावेदार हैं, किन किन के नाम पर चर्चा होनी है, तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि इस पे कल ही मंथन होना था, लेकिन वो कल ना मुख्यमंत्री को समय मिला ना जो तमाम आलाकमान है उनको। बिल्कुल, लेकिन आज जो यहाँ पर आलाकमान के साथ विचार विमर्श इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर होगा, जिन नए चेहरों को शामिल किया जाना है पंकज, क्योंकि अभी देखना होगा मुहर किन पर लगती है, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने आए हैं इन तीन सीटों पर नए चेहरों के रूप में? देखिए है नाम कई है जी, अगर बंशीधर भगत तो खुद प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन परवन सिंह खोरियाल हैं, उनके अलावा पुष्कर सिंह धामी हैं और गोपाल सिंह रावत हैं जो गढ़वाल से हैं, मुन्ना सिंह चौहान हैं, चंद्रा पंत हैं, तो ऐसे कई नाम हैं जिनको लेकर खुद मुख्यमंत्री भी उनको बनाना चाहते हैं, लेकिन अब आलाकमान किसके नाम पर मुहर लगाता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर विधायकों की संख्या बहुत है, महेंद्र भाटन चमोली से, उनको चमोली से किसी को भी मौका नहीं मिला है, और गणेश जोशी है जो तेरह मसूरी के विधायक हैं, सब अपने उससे दावेदारी करने में लगे हैं और अपने गोटियां फिट करने में भी लगे हैं, दिल्ली के दौरे भी कर रहे हैं, तमाम अपने आकाओं से पैरवी भी करवा रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आलाकमान किसको मंत्री की कुर्सियों में बैठाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।